हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड राजीव आनंद। हर कोई चाहता है कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए, उस पर वीडियोस अपलोड करे और वीडियोस अपलोड करने के बाद उनकी वीडियोस पर इतने सारे व्यूज आ जाएं, ढेरों व्यूज आ जाएं और उनके यूट्यूब चैनल के फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि उनका यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए और वो भी मंथली बेस पर बहुत सारा पैसा जो है यूट्यूब से ऑनलाइन कमा सके। लेकिन इन सब में सबसे कंफ्यूजिंग चीज क्या है? कन्फ्यूजिंग बात यह है कि हम लोगों को किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, जिन वीडियोस को जब हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और हमारी वीडियोस सबसे ज़्यादा चलेंगी या हमारी वीडियोस सबसे ज़्यादा देखी जाएंगी या हमारी वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, इवन हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती वो क्या करते हैं, इलीगल पार्टीज को कॉन्टैक्ट करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको लगता है कि यार ये सब कुछ तो बकवास है, हम लोगों ने इतने सब्सक्राइबर भी खरीद लिए, व्यूज़ भी खरीद लिए, सारे बॉट व्यूज़ थे, ना हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, ना ही हमारे चैनल के जो हैं व्यूज़ बढ़े, ना ही हमारे चैनल का वॉच टाइम बढ़ा। तो इन सब में आज मैं आपको इस वीडियो के हेल्प से ये बताने वाला हूँ कि हमें किस टाइप की YouTube वीडियोस बनानी चाहिए, जिन वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और हमारा YouTube चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा डिटेल तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक गूगल ट्रेंड्स का कंसेप्ट बताना जा रहा हूं कि गूगल ट्रेंड्स होता क्या है, गूगल ट्रेंड्स को कैसे यूज किया जाता है और गूगल ट्रेंड की हेल्प से हम अपने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ कैसे जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। सो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, गूगल ट्रेंड्स कैसे यूज करते हैं मैं अब आपको वो बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को अपने वेब ब्राउजर पर, जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सबसे पहले आप लोगों को अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना है trends.google.com। जब आप trends.google.com प्रेस करेंगे तो इस तरीके की एक वेबसाइट, इस तरीके का गूगल का ट्रेंड जो है वो ओपन होगा और यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग, मतलब पूरा वर्ल्ड गूगल पर क्या सर्च कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। लेकिन गूगल ट्रेंड्स को हम लोग यूट्यूब सर्च के लिए कैसे इंक्रीज करते हैं, अपनी वीडियो जब हम बना रहे हैं तो वीडियो को किस, ऐसी कौन सी वीडियोस बनाएं जिस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, आप यहां देख पा रहे हैं यहां पर यूनाइटेड स्टेट जो है वो कंट्री सेलेक्टेड है। अगर मैं यहां पर हमारी कंट्री इंडिया अगर सेलेक्ट करता हूं, तो जैसे मैंने यहां पर इंडिया सेलेक्ट की तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कीवर्ड्स, जो सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च है वो आपको सामने दिख जाएगी। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं टेलर स्विफ्ट, किम कारदर्शिया, वर्ल्ड कप फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, ये ज्यादातर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो गूगल ट्रेंड्स में यहां पर जो आपको मेन्यू ऑप्शन दिख रहा है, इस मेन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना और यहां पर आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है जिसका नाम है ट्रेंडिंग सर्चेस। जैसे ही आप ट्रेंडिंग सर्चेस पर क्लिक करेंगे तो यहां देखिए आपको डेली सर्च ट्रेंड मिल रहा है, रियल टाइम सर्च ट्रेंड मिल रहा है। डेली में क्या है, देखिए यहां पर ये आज जो है, मैं संडे अप्रैल 12 को ये वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर देखिए ये जो सबसे ज्यादा इस टाइम गूगल पर सर्च हो रहा है टॉपिक नियंग सिख, क्योंकि बैसाखी आने वाली है, 14 अप्रैल की बैसाखी होती है तो बैसाखी का फेस्टिवल आने वाला है, तो बैसाखी फेस्टिवल से रिलेटेड जो है ज्यादातर जो है वो कीवर्ड्स गूगल पर इस टाइम सर्च किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारे आप लोग देख पा रहे होंगे गूगल पर टोटल सर्च जो है वो प्रेजेंटली चल रही है। आप इसको आराम से डिटेल में देखिए, मैं इसको प्रॉपर आपको दिखाता हूं। देखिए ये कुछ जो सर्च है गूगल पर चल रही है, लेकिन अगर मुझे रियल टाइम सर्च के बारे में जानना हो, रियल टाइम सर्च ट्रेंड पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो अब देखिए पास्ट 24 आवर्स में गूगल पर क्या सर्च किया गया, एशिया कप के बारे में, साई पल्लवी के बारे में, ये देखिए नेक्स्ट सर्च, ये देखिए संक्रांति के बारे में, राइस, ये जो कुंडली से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये देखिए एचडीएफसी बैंक के बारे में सर्च किया जा रहा है, उनके जो शेयर्स का जो अभी हुआ है प्रॉपर, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में सर्च किया जा रहा है प्रॉपर। देखिए ये आपको ना प्रॉपर जो है आपको प्रॉपर ये दिखेगा कि किस टाइप की सर्चेज जो इस टाइम पर गूगल पर चल रही हैं, और इस सर्चेज से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता लगेगी कि आपको इन्हीं सर्च से रिलेटेड जो है वीडियोस बनानी है। अब अगर ये तो सारी ऑल कैटेगरीज है, अगर आप अपनी कैटेगरी चूज करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। मैं बिजनेस कैटेगरी में जाता हूं तो बिजनेस रिलेटेड जो रियल टाइम सर्च इस टाइम गूगल पर चल रही है पास्ट 24 आवर्स में, वो टॉपिक आपको सामने मेंशन हो जाएंगे। देखिए जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं एचडीएफसी बैंक का, फोरकास्टिंग का, इंडस्ट्री फोरकास्टिंग का, मैनेज सर्विस का, एंग्जाइटी का, ये मार्केट सेगमेंटेशन का, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे फाइनेंस सेक्टर का, ये इंडस्ट्री फोरकास्टिंग दोबारा से कीवर्ड जो है सर्च किया जा रहा है,
ये स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल ये सर्च किया जा रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये सर्च किए जा रहे हैं। देखिए यहां लिखा भी आ रहा है प्रॉपर 4 आवर्स अगो, गूगल मीडिया फ्रांस लॉ, ये देखिए ये प्रॉपर लिखा आ रहा है, स्टील इंडस्ट्री एनालिसिस रिसर्च इंडस्ट्री मार्केट शेयर, देखिए ये प्रॉपर जो है ना ये बिजनेस रिलेटेड जो है सर्च गूगल पर हो रही है। अगर आप इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक चूज करके अपनी वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं आपकी वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने में। ऐसे ही अगर आप दूसरी किसी कैटेगरी को पिक करते हैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी, तो देखिए एंटरटेनमेंट कैटेगरी से रिलेटेड जो भी गूगल पर पास्ट 24 आवर्स की सर्च चल रही है देखिए वो आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं। कृष्णा श्रॉफ महेश बाबू ये देखिए आपको अलग अलग दिख रही होंगी, डिम्पी गांगुली, ये विष्णु विशाल अंगूरी आसिफ अली महेश बाबू, ये देखिए ये आपको अलग अलग सर्च दिख रही है। आप इन सर्च से रिलेटेड आप इन सर्च को देखकर ना ये आपको प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगा को आपको किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि जो डेफिनेटली गूगल पर सर्च चल रही हो गई प्रेजेंटली और आपने उसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो अगर बना दी तो डेफिनेटली आपकी यूट्यूब वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने के चांस उतने ही ज्यादा बन जाएंगे। ये देखिए हेल्थ इंडस्ट्री है, तो हेल्थ में अगर हम लोग चलते हैं तो हेल्थ में पास्ट 24 आवर्स में क्या कीवर्ड्स गूगल पर सर्च किए गए ये पूरी डिटेल आ गई। ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ये साइंस एंड टेक हो गई, साइंस एंड टेक्स में सबसे ज्यादा तो इस टाइम ओप्पो 5G के ऊपर जो है वो गूगल पर सर्च चल रही है, यानी कि अगर अभी अगर आपका कोई टेक्निकल यूट्यूब चैनल है और आप अगर अभी ओप्पो 5G के ऊपर वीडियो बना दें तो डेफिनेटली ओप्पो 5G के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो गूगल सर्च में जल्द से जल्द आएंगी और आपका फटाफट जो है वो वीडियो पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। फेसबुक के ऊपर जो है देखिए सोशल मीडिया ये प्रॉपर इस टाइम वायरल हो रही है, ये प्लेयर अनऑल बैटल पबजी, पबजी गेम आपको वैसे भी पता है जो भी लोग जिनका गेमिंग का यूट्यूब चैनल है पबजी तो वैसे ही बहुत ज्यादा चलती है, तो आप पबजी के ऊपर अगर इस टाइम वीडियोस बनाएंगे, एप्पल टीवी एप्पल के ऊपर अगर आप बनाएंगे, ये एप्पल आईफोन SE कुछ नया अपडेट आया है, नोकिया के इस टाइम सर्च ज्यादा चल रही है, तो ये देखिए ये पोकमोन की जो है वो सर्च ज्यादा चल रही है, साइलेंट हिल की सर्च चल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है आपको ना कंटेंट मिल जाता है कि हम लोगों को किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, किन तरीके के टॉपिक को यूज करके ना हम लोगों को अपनी यूट्यूब वीडियो बनानी चाहिए जो जल्द से जल्द सर्च में आ जाए और हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाए। तो इसमें से आपको कोई भी कैटेगरी जो सूट कर रही है, बिजनेस है एंटरटेनमेंट है हेल्थ कैटेगरी है स्पोर्ट्स कैटेगरी है या टॉप स्टोरीज में अगर हम लोग चलते हैं तो पास्ट 24 आवर्स की जो टॉप स्टोरीज हैं जो सबसे ज्यादा सर्च की गई, देखिए उसमें आप मोहम्मद अजरुद्दीन के ऊपर जो है वो सर्च आ रही है, तो यानी कि आप मोहम्मद अजरुद्दीन की लाइफ से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई आप इस टाइम पर वीडियो बना दें तो डेफिनेटली वो वीडियो जो है वो आपकी बहुत जल्दी चलेगी। इससे बेनिफिट क्या होता है, आप गूगल ट्रेंड को डेली यूज कर सकते हैं, रियल टाइम सर्च ट्रेंड में जाकर अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेन रेलिवेंट सर्च क्या चल रही है, बिजनेस के अंदर जाकर देख सकते हैं, तो उससे अगर आपको सर्च के टॉपिक मिल जाएंगे तो बस अब आपका काम क्या है, आपको उन सर्च टॉपिक को यूज करना है और उनसे रिलेटेड वीडियोज बनानी है। पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप किसी और की वीडियोस ना यूज किया करें ताकि आपकी वीडियोस कॉपीराइट से बच जाए, क्योंकि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट आना एक बार शुरू हो गया तो फिर आपका यूट्यूब चैनल बैन होने के चांस भी बन जाएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो में यह था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको किस टाइप की वीडियोज बनानी चाहिए जिन वीडियोज पर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले और आपका यूट्यूब चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए और आपको भी लाखों रुपए महीने कमाने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार और वीडियो को भी लाइक्स कर देना। थैंक यू सो मच।